जहां जिस तापमान में लोग नहीं रहते वहां वो उन्होंने अपना बसर कर रखा, अपनी गृहस्थी चला रहे। हलाहल समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, उसको सबसे पहले ग्रहण कर लिया भैया मानव कल्याण जीना चाहिए, मेरे को कोई तकलीफ होगी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को नशेड़ी बनाकर प्रेजेंट कर दिया आपके फिल्म इंडस्ट्री ने और वो पढ़े लिखे सो कॉल्ड पढ़े लिखे मूर्खों ने कि ये सामाजिक कुछ व्यवस्थाएं लोगों ने जिस पर मतलब आप स्कूल मान के सुनो समझो कि हमारे को हमारी शिक्षा से बहुत दूर कर दिया। ये आज हम सनातनी शब्द को ही समझ के इतना अकड़ रहे हैं, जिस दिन दुनिया के सामने असली सनातन प्रेजेंट हो गया तो दुनिया हमारे अंगूठे के नखून में जमे हुए मैल के बराबर भी नहीं, इतनी बड़ी शक्ति है सनातन की। तो गुरु जी मैं अब इसी में एक टॉपिक और जोड़ देता हूँ। मैं जानता हूँ कि उस टाइम पे कुछ विद्याएं थी, जैसे कि हमारे वो थे रावण, वो पुष्पक उड़ा के तो उसपे उनमें भी कोई विद्या, शायद ग्रेविटी पावर को उनको अब्सॉर्ब करने की ताकत रहेगी। तो इस ऐसा गुरु जी ऐसा हमारे ग्रंथों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई जिनका मतलब कुछ और है, जो हमारे बुजुर्ग थे फोर फादर थे तो बताना कुछ और चाहते, तो उस चीज को आज की डेट में अलग वे में या तो हमारी समझ नहीं है या फिर उस लेवल तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। अभी एक इसमें एक चीज है, जैसे एक रामायण का एक पार्ट है सुंदरकांड, अब वो सुंदरकांड में नाम सुंदरकांड है पर वो कोई मारकाट है सारी, मारकाट है सारी, तो उसमें सुंदर क्या है? अब उसका अगर कोई डीकोड करना चाहे या मतलब समझना चाहे तो उसको किस वे में समझे? ये मतलब मैं हम सनातन को मानते हैं पर हम सनातन को जानना भी तो चाहिए। नहीं नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये था संदीप जी कि हम अपनी दरअसल में क्या होता है कि हम अपनी विद्या के बारे में बता रहे हैं कि हम सनातनी युगों युगों से चले आ रहे हैं। सनातनी का मतलब ये कि सत्य के साथ रहने वाले, सदा सत्य के साथ रहने वाले, सत्य का आनंद लेने वाले। और हमारी टेस्ट एंड ट्राइड सारी टेक्नोलॉजी रही है, टेस्ट एंड ट्राइड हमारी थेरेपीज रही है, रिचुअल्स रहे हैं, वो सब ट्राइड है सारे के सारे, सबको अच्छे से मतलब सैकड़ों हजारों वर्षों से वो लोगों के ऊपर अप्लाई किए गए और परफेक्ट निकल गए, तो सनातनी मतलब वैसे ही। अब मैंने जो आपको बताया कि वन में रहने वाले वानर, ठीक है, उनके पास भी इतनी बार इतनी बढ़िया विद्या थी कि जो पर्वत को उठा सकते। आप ऐसे माने कृष्ण जी जैसा महायोगी तो छीजी सी उंगली के ऊपर 21 किलोमीटर को 21 किलोमीटर की जिसकी आजकल परिक्रमा है उसको उठा के रखे हैं, तो विद्या के अंदर तो हम बहुत 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 मजबूत रहे। तो किसी कारणवश किसी कारण के बस जानबूझकर जो विदेशी लोग रहे हैं, जो मुगल रहे या अंग्रेज रहे या उन्होंने या कलयुग का प्रभाव, आप कलयुग के प्रभाव से आज कुछ भी मान लीजिए, चलिए आप उसकी बात सही है, तो उन्होंने हमारी उस संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए ये सब काम डिमोरलाइज किया। और फिर जो बेसिकली थोड़े से समझदार पढ़े लिखे आदमी होते हैं ना, जैसे पढ़े लिखे मूर्ख आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसकी जो बारे में समझाते हैं ना, वो अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी अपनी समझ का प्रयोग करते हैं, है ना, अपनी समझ के प्रयोग के कारण से उसका मामला खराब कर देते हैं सारा सारा। पीछे एक चिकर आया भगवान शिव का, देवों के देव महादेव, ठीक है, सोने की लंका बनाई, जो पंडित आया उसी को दे दी, मतलब मोह भंगी, मतलब कोई मतलब कोई मतलब बैरागी पूरा, ठीक है, जहां जिस तापमान में लोग नहीं रहते वहां वो उन्होंने अपना बसर कर रखा, अपनी गृहस्थी चला रहे। हलाहल समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, उसको सबसे पहले ग्रहण कर लिया भैया मानव कल्याण जीना चाहिए, मेरे को कोई तकलीफ होगी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को नशेड़ी बनाकर प्रेजेंट कर दिया आपके फिल्म इंडस्ट्री ने और वो पढ़े लिखे सो कॉल्ड पढ़े लिखे मूर्खों ने, ठीक है, हाँ मतलब जो 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 मर्जी बोलो आप। तो एक तो जघन्य पाप कर, दूसरा नंबर क्या है, हमको डिमोरलाइज कर दिया, हमको अगर शिव वाला है तो हमारे को बाल जरूरी है बढ़ाने, है ना, हमें कपड़े अच्छे नहीं पहनने, हम शिव भक्त हैं इसलिए, मतलब वो बेसिकली अगोड़ी। और वो साधु संत समाज ने भी क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने भी अपने आप का चोगा वैसे ही कर लिया, चिलम पीना शुरू कर दिया, धुआं धक्कड़ करना शुरू कर दिया। आप गुरु जी एक, अब मैं एक नॉर्मल बात, एक मिनट एक सेकंड, अब कोई आज की डेट में हम बेसिकली दोस्त वो होते हैं देहाती लोग, थोड़े से तो दारू पीना शुरू करते हैं तो
बाबा की फौज करेगी मौज। तो मतलब एक बेसिकली ये बन गया कि भगवान जी जो हमारे शिव भगवान है नशेड़ी है, मतलब उनके नाम पे दारू पीते हैं, भैरव बाबा के नाम पे दारू पीते हैं, लोगों का ऐसा माइंड सेट हो चुका है। तो इस देखो क्या होता है कि ये सामाजिक कुछ व्यवस्थाएं लोगों ने जिस पर मतलब आप स्कूल मान के सुनो समझो कि हमारे को हमारी शिक्षा से बहुत दूर कर दिया। ये आज हम सनातनी शब्द को ही समझ के इतना अकड़ रहे हैं, जिस दिन दुनिया के सामने असली सनातन प्रेजेंट हो गया तो दुनिया हमारे अंगूठे के नखून में जमे हुए मैल के बराबर भी नहीं, इतनी बड़ी शक्ति है सनातन की। गुरु जी इसको सनातन को अगर जानना हो, मैं फिर वो हम हिंदू हैं, हम सनातन को मानते हैं, तो इसको जानना कैसे, जाने कैसे सनातन में क्या है? अरे भैया सनातन का बड़ा सिंपल सा शब्द है, सत्य के साथ रहो, सत्य को स्वीकार करना तो सीख लो। सनातन से ही तो जुड़े हैं भगवान हमारे साथ। नहीं सनातन मतलब ये, सनातन कहने का मतलब ये कि ये सत्य है। आप ऐसा मान के चलिए कि आपको सत्य के साथ रहना पहला नंबर सनातन की सबसे बड़ी वो है जरूरत है। हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी हमारी कहते हैं ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे वेद हैं शास्त्र हैं, वो हमको जब बनाकर, जब हमारे को बना समझाया गया उसके अंदर, वो सनातनी रूप से है, सत्य के रूप में है, कोई उसमें गलत नहीं है। मैं भी यही कहना था। तो गुरु जी जो लिखा हुआ है, जो सब कुछ है, जैसे महाभारत है, रामायण है और ये हमारे वेद जी, इनमें जो लिखा हुआ है वो एक भाषा जो हमारे फोर फादर्स ने लिख दी, वो उनके सोचने का तरीका कुछ और था, जो आज की डेट में उसको ग्रहण कर रहे हैं हम जैसे मानव, वो तरीका हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। मतलब लिखा कुछ है समझने, हम अपनी सोच से समझ, पर वो जो असली चीज लिखी हुई है उसको कैसे हम फैलाएं या हम लोगों को समझाएं कि भाई जो सनातन में लिखा है, जो वेदों में लिखा है। अब मैंने आपको एक चीज पूछा ना सीधा सा, सुंदरकांड के आपकी लोग सुंदरकांड कर रहे हैं, सुंदरकांड रोज घरों में सुंदरकांड की वो पंडित जी आते, फैशन है, पंडित जी आते हैं सुंदरकांड करें, पर उसके पीछे जो मकसद है वो क्या है? अगर सुंदरकांड, मैं मानता हूं कि महाभारत ग्रंथ है जो हमारा, महाभारत एक कवि, लोगों के शायद कुछ लोग ये सोचते पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, पर उनमें जो सच्चाई लिखी है उसको डीकोड नहीं कहेंगे या जो सच है उसको कैसे जान, कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखो अभी तक तो प्रमाण मिलते रहे, चलिए आप इसके आपकी बात तो एक जी आप चलो आप एक आप मुझे यही बता दो, सुंदरकांड में हनुमान जी ने जंप लगाई और वो उधर जाने के लिए, उसके पीछे जो है उसके पीछे क्या कारण है? देखो क्या जो सुंदरकांड मैं आपकी जिज्ञासा समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है कि एक समय ऐसा आया जो हमारे सनातनी थे, मतलब जो हमारे साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, बड़े गहन अध्ययन करने वाले थे, उनको ये पता कि किसी भी संप्रदाय के साथ कभी भी कुठालाघात हो सकता है, तो उन्होंने उस संस्कृति को बचाने के रूप में बड़े बड़े तरीके प्रयास करके उस चीज को बचा के किताबों में लिख दिया। अब आप भारत का अगर समय देखो तो कितने हजारों साल के तो मतलब गुलामी का आ गया, और उसके बावजूद मैं तो 14 के बाद से ही मानता हूँ है ना, कुछ 14 के बाद से जब जैसे ही लोगों के अंदर वो करंट बाईपास हुआ तो सबका औरा मंडल बदल गया और वायुमंडल इतना जबरदस्त हो गया कि आज की डेट में विदेशों भी भजन कीर्तन करने लगे, तो मत मान। उन्होंने इस विद्या को बचाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, उसमें से एक प्रयास था मूर्ति, मूर्ति पूजन, मूर्ति पूजन। हम अब अगर मैंने कहीं पढ़ा या लिखा तो शिव तो निराकार, कोई मूर्ति नहीं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आज चलो सब जी पहले बात करते हैं फिर आपको मैं बताता हूं। एक फिर मैं अब जैसे कुछ साल पहले तक मैं खुद मानता था जो शिव जिनकी हम पूजा करते हैं, जो शिवलिंग है वो शिवलिंग क्या है, ये मैं मेरी समझ से परे था, मतलब पता नहीं जब आप जब से आपके पर, तो शायद आज की डेट में 50% लोगों को ये नहीं पता, वो तो ये सोचते हैं शिवलिंग स्त्री और पुरुष का संबंधिक अंग है, ऐसे वो अंग है, पर जब आपसे मिला शायद 50% लोगों को यही नहीं पता कि शिव जो जिनकी हम पूजा करते हैं शिवलिंग की वो है असल में है क्या। देखो पहले तो शिव आज बड़ा ट्रेंडिंग है हर जगह से देखो तो शिव जी के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा है, ये चलता है ये मीडिया के माध्यम से, तो शिव जी के ऊपर एक बात बताता हूँ। शिव भगवान के काफी नाम है, एक नाम है चंद्रमौलेश्वर है,
नीलकंठ है ना, पशुपतिनाथ, बारह बागम्बरधारी है, ऐसे मतलब ज्योतिर्लिंग अलग विषय है। अब आदमी कोई शिव शिव की बड़ी पूजा करे और भगवान शिव को आ जाए कि भैया ये बड़ा मेरा प्रेमी है, चलो मिलने चलते हैं इनके साथ, तो पहले तो उसके रूप रंग को देख के जैसी बेल बजेगी तो उसी को बहुत भगा देगा, अरे तू निकल जो पैसे चाहिए ले ले, क्योंकि उसने कभी शिव की आकृति को तो देखा कि यार ये वो, लेकिन उसके अंदर भी वो पहचान नहीं सकता क्योंकि वो दृष्टि नहीं, वो भाव नहीं, वो समझ भी नहीं, ठीक है। और भगवान शिव अगर गलती से सांप की टाई बना ले, अच्छे से कपड़े पहन के आ जाए तो नहीं पकड़े वो, तो पहले नंबर उसके अंदर भी तो विवेक होना चाहिए कि किस देवता की मूर्ति की पूजा कर रहा है, उसको समझ कैसे पाएगा। बड़ी छोटी सी बात लिखो, भगवान शिव का अब वर्णन एक बार लेते हैं। शीश से गंगा बह रही है, आप कभी कल्पना कर सकते हो किसी इंसान के शरीर मतलब दिमाग से कोई पानी बह रहा हो? गंगा पवित्रता की प्रतीक है, ठीक है, और जो शीश से बहता है वो ज्ञान होता है। ज्ञान की गंगा में नहा के पवित्र हो सकता है? गंगा जी में नहा के पवित्र नहीं होता कोई इंसान। तो उन्होंने कहा शिव वो है जिसके शीश से सदैव पवित्र ज्ञान बहता हो तो वो शिव होगा। पहली उन्होंने समझाया कि ग्रंथों के अंदर की वाणी से मूर्ति के अंदर उन्होंने कन्वर्ट किया। फिर कहा चंद्रमौलेश्वर, मतलब अब जिसके पास ज्ञान है वो अहंकारी भी है, हो जाता ना जरा सा ज्ञान आता, देखो ना कैसे अकड़ के चलता बंदा कि फलाना ग्रेजुएशन कर ली, फलाना ये कर ली, वो कर ली। अब उसके पास तो पवित्र ज्ञान और इतना भरमार ज्ञान है कि हर वक्त बह रहा है, लेकिन उसको घमंड नहीं हो इसके लिए चंद्रमौलेश्वर मतलब चंद्रमा लगा दिया उनके शीश पे। हम पृथ्वी पर रहते हैं, उपग्रह है, चंद्रमा ग्रह है, हमसे बड़ा है, किसी माथे पे नहीं आ सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चंद्रमा पे कितने यान पहुंचे, कितने दिन में पहुंचते हैं, किसी एक शक्ति के बिल्कुल माथे पे लगा हुआ। उन्होंने प्रतीक किया कि चंद्रमा जैसी शीतलता है दिमाग के अंदर, ज्ञान बहुत है, हर वक्त बहता है, लेकिन दिमाग में शीतलता है, ठंडा है, परोपकारी है। फिर कालदर्शी है, तीनों कालों को देखने की क्षमता रखता है, इतना ज्ञान है, त्रिनेत्र, लेकिन स्थिर रहते हैं, प्रज्ञावान है, स्थिर रहता है, समाधिस्थ रहते हैं, कोई बेचैनी नहीं है तीनों काल को जाने की, कल मेरे साथ क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ था, कितने जन्मों में मेरे साथ इस बंदे ने बुरा किया था, लेकिन त्रिकालदर्शी है फिर भी स्थिर रहते हैं। नीलकंठ समाज के सबसे बड़े मंथन का, सामाजिक मंथन का हलाहल विष, जिन्होंने सबसे पहले आगे जाके जब कोई देवता नहीं ले, राक्षस नहीं ले, तो उन्होंने सबसे पहले जरण किया और गले में ही संभाल के रखा, उसको हृदय से नहीं लगाया, दिमाग पे नहीं चढ़ने दिया, कितने बड़े योगी थे और गले में ही रखा। उनका नाम क्या रहा? नीलकंठ। जो अपनी मौत को याद करता रहता हो उसे भी पता है कि मुझे एक दिन नष्ट होना है, उसलिए जो सांप है वो काल का प्रतीक है, जो गले में रखते हो, फैशन नहीं है, आज तक किसी ने नहीं पहना, उसके अलावा किसी देवता ने नहीं पहना। जो काल को भी ध्यान रखता हो, ज्ञान की भरमार, दिमाग में शीतलता, तीनों काल को जानने वाला, दूसरों के से भले के लिए जहर पीने वाला, और वो भी ये जानता है कि मुझे मृत्यु है, इसलिए उसने काल को रखा है, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मतलब अब देखो पशुपतिनाथ जिसने अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पशु हैं जो इंसान को पशुता की तरफ लेके जाते हैं, उसका नाथ बना, वो शिव हो सकता है। बागम्बरधारी शेर की खाल पे बैठता है, प्रतीक है आपके जीवन के अंदर सेक्सुअल उसका अपीयरेंस का, वो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए उसने अपने जीवन के अंदर सारे पारिवारिक जीवन के अंदर गए, तो ऐसा व्यक्ति शिव हो सकता है। अब शिव को इतनी बड़ी महिमाओं के साथ सुसज्जित किया गया और मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया, कोई तो आएगा, कभी तो आएगा जिस दिन ये विवेक जागृत करेगा और बोलेगा कि शिव तो ये है असली, जिसमें ऐसे गुण मिले हैं वो शिव है। तो आज हर इंसान शिव बन सकता है। यस, लोग कहते हैं कि मैं इष्ट मानता हूं, अरे इष्ट जैसा बनना होता है भाई, वो आपकी प्रेरणा बुक है, आपको राम को मानना नहीं है, राम जैसा बनना है, आपको शिव मानना नहीं है, शिव जैसा बनना है।
जितना मैं समझ पाया हूँ मेरा कि जो ये हमारे जो मूर्ति बनाई है हमारे शिव जी की जो हमारी आंखों में, तो ये हर आदमी हमारे ग्रंथ का निचोड़ है भाई, वो हमारे हर आदमी को ये याद रखना चाहिए। तेरे पास तू कभी मर सकता है या मतलब जो जो शिव जी का वर्णन है वो हर आदमी में त्याग की मूरत, ज्ञान का साम्राज्य, शीतलता का प्रतीक, समाज कल्याण में रहने वाला, अलग अलग विचारों के साथ उसके जो परिवार के लोग हैं अलग अलग विचारों के हैं उनको साथ लेके चलने वाला, और कितना शुद्ध और पवित्र जो अपने लिंगम की पूजा कराता हो। मतलब आप ये सोचे कि वो शक्ति के प्रतीक है ना, संसार के अंदर शक्ति के प्रतीक है वो दोनों, उत्पत्ति के प्रतीक है। आप अपनी भाषा में समझ लें, किसी उसको पढ़ा दे तो उत्पत्ति के प्रतीक है। वैसे तो वो उनमें तीनों काल का अलग अलग विषय है, ब्रह्मा विष्णु महेश का एक प्रतीक माने गए हैं हमारे जीवन के अंदर। तो इतने सब गुणवान व्यक्ति कोई भी होगा, उस प्रकार की समझ रखने वाला व्यक्ति कोई होगा तो वो इस संसार में भी शिव होगा। शिव के लिए उस जैसा आडंबर करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, उसके कुछ गुण भी ले लोगे तो आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर ही शिवालय में। तो आपको अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना है, आपकी जो खोई हुई विरासत को खोजना है। राहु केतु शनि ये बहुत जिसे कहते हैं ना, ये तो वो डिपार्टमेंट है कि जब गलती करते हो तो पकड़ते हैं, पुलिस है वो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स का, पुलिस का, वैसा वैसा जब भी डिपार्टमेंट है। तो आपको उनसे नहीं डरना, आपको इतने आपके ईस्ट बनाए गए, भगवान कृष्ण ईस्ट है किसी के, किसी के राम जी ईस्ट है, किसी के शिव जी ईस्ट है, किसी के हनुमान जी ईस्ट है, किसी के भैरव ईस्ट है, जिसका जो मन करे जहां पे उन जैसे गुण स्थापना करना ही ईस्ट बनाना माना जाता है, ना कि उनको मानकर सिर्फ उनकी वंदना करने से कभी ईस्ट नहीं बनता। अगर जैसा बनना पड़ता उनके जैसे गुणों को धारण कर, वो हमारे प्रतीक है कि हमें जैसा बनना है। तो हम हर आदमी शिव बन सकता है, हर आदमी राम बन सकता है, बिल्कुल। और है हर आदमी में राम है, हर आदमी में शिव है, हर आदमी में ब्राह्मण भी है। अच्छा गुरु जी, एक अब एक और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग, मेरा भतीजा ही है बेसिकली, तो वो मेरे से पूछा कि उसने गीता पढ़ी, तो गीता में सिर्फ एक ही चीज लिखी है कि जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, बिना मेरे पत्ता नहीं हिलता। पढ़ी मैंने भी है पर मेरे में शायद इतनी समझ नहीं है उसने ज्यादा। तो गुरु जी अब जब सब चीज ही भगवान कर रहे हैं तो फिर जो गलत काम होते हैं बेसिकली उसमें भी कुछ ना कुछ है जो उसके अंदर छिपा हुआ है, उसको समझने के लिए क्या बोलो? गीता में हर चीज में ये लिखा है कि अगर दुनिया में कुछ हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ, श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता करी है, अगर पत्ता भी हिल रहा है तो मैं कर रहा हूँ मर्डर, यानी कि कोई गलत काम भी कर रहा है, मान लो मैंने ही किसी का मर्डर कर दिया मान लो, तो ये तो भगवान की मर्जी है। देखो बड़ी सिंपल सी एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसने किताब गीता पढ़ी है एक्चुअली। मैं भी यही कह रहा, मैं मेरा कहने का जो तात्पर्य यही है ना, हम पढ़ते हैं पर हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उनमें है क्या। नहीं नहीं देखिए वो एक अलग विषय है, जानना चाहते हैं, लेकिन जो आपने सवाल कहा ना उसका मैं एक बड़ा सिंपल सा छोटा सा आंसर बता। पूरी पृष्ठभूमि में कुछ भी घटना घटी, कोई भी, वो मैंने ही काटी। उन्होंने क्या कहा? मैं नहीं किया। अगर जिस दिन आपकी मैं से निकल जाएगी उस दिन कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटेगी। बात आई समझ में? नहीं गुरु जी। बाउंसर, ये तो बाउंसर है गुरु जी। आप सोचो भगवान किसने कहा कि मैंने करा, ठीक है, दुर्योधन कहता मैंने किया, युधिष्ठिर कह रहा मैंने किया, इन सब में अहंकार में मैं ही तो था। अच्छा यहाँ मैं को आप अहंकार का प्रतीक बता रहे हैं। तो महाभारत में झगड़ा क्यों हुआ? मैं तो जो कुछ किया मैंने किया, अगर वो मैं ही हट जाता
तो इतना बड़ा कांड ही नहीं होना था। जो गीता में वर्णन है मैं, वो भगवान अपनी बात में बात नहीं कर रहे, उस वो कह रहे हैं कि मैं, मतलब अहंकार ने करा, मैंने ही किया है, मतलब मैंने नहीं, मैंने किया है, समझ, अहंकार, अहंकार ने ही किया, पूरा महाभारत अहंकार की वजह से आ गया। छोटी छोटी चीजें, सिली मिस्टेक्स हुई हैं, और सब मैं की वजह से। पूरी रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर, सॉरी महाभारत के अंदर मैं के अलावा कुछ हो तो बताओ मुझे। मैं भी है, स्वार्थ भी है भाई, स्वार्थ कहां जागृत होगा फिर? तो उन्होंने क्या गलत कह दिया? आपने पढ़ी समझी नहीं, बस इतनी सी बात। मैं भी तो ये कहना चाह रहा हूँ गुरु जी, हम पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आते। अब समझने के लिए तो हमें आपका सहारा चाहिए। मैं भी यही कह रहा, मैं नहीं, अब मैं बोलना, अब बोल देना उनको, नहीं मैं बोलना बंद कर दूंगा मैं। अब इस संसार में गुरु जी अच्छी बात है ना, अब आदमी मैं ना बोल के हम, तो ये हमारे जो लखनऊ की भाषा है, एक लखनऊ की जो भाषा है जहाँ हम बोलते हैं, हम ये जा रहे हैं, हम तो सबको मैं बोल ना बोल के हम बोलना शुरू कर देना चाहिए। देखो इस मैं की खोज में बड़े बड़े ऋषि मुनि लगे। मैं कहूं कौन, आप मैं किसको मानते हो? शरीर के अंदर आपका नाम संदीप चौधरी, उसको आप मैं मानते हो, वो आपका है ही नहीं क्योंकि आपको विरासत में दिया, ठीक है। शरीर को मानते हो, वो पृथ्वी पंच तत्वों से बना निकल गया। आंख मैं नहीं क्योंकि आपकी मानती नहीं, कान आपकी नहीं जो आपकी सुनते नहीं, आप चाहते हो कि मैं शुद्ध ही सुनूं, लेकिन उसके पास तो जो मटेरियल आता है वो सुनता है ना। तो जिस दिन आपको मैं कौन, मैं वो जो सर्वदा एक सा रहने वाला, हर स्थिति में एक सा रहने वाला हूं, जो मैं की खोज कर रहा है वो आत्म चिंतन की बात है, अध्यात्म के अंदर के उस पहलू की बात है जहां मैं की उत्पत्ति है। जैसे राधा एक शब्द है, ठीक है, है ना, कथावाचकों ने अलग अलग रूप से उसका रूप लिया। अगर धारा का उल्टा करते हो तो राधा होती है, धारा का रा इधर लगा दो तो राधा हो गई, ठीक है। जो चीज धारा बाहर बहती है और राधा राधा अंदर आती है, और जो कृष्ण है वो साक्ष है, पूरी भागवत के अंदर वो साक्ष, उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, वो सिर्फ साक्षी भाव से इतना नरसंहार देखा, विटनेस साक्ष्य है, साक्ष्य है, अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। मैं भी तो ये कह रहा हूं, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा तो उन्होंने साक्ष्य है कि मैंने ही तो मारा इनको। लोगों ने कहा कृष्ण जी ने मार दिया, तो कृष्ण जी ने नहीं मारा उनकी, मैंने उनको मारा, जो घटना घटी मैं से घटी, तो कृष्ण तो साक्ष्य थे। राधा बाहर अंदर से बहने वाली धारा का अगर उल्टा प्रभाव हो जाए, आदमी आत्मचिंतन अंदर की तरफ करने लग जाएगा तो राधा उत्पन्न हो जाएगी, और राधा साक्षी भाव से अंदर कृष्ण मौजूद है, तो राधा कृष्ण का प्रेम प्रेम मिलन जो होगा, वो जो प्रेम का शब्द कह दिया वो मिलन है, वो आत्म आपको आत्मबोध कराएगा, प्रज्ञावान बनाएगा, और आप मैं है कौन उससे मिला। अब लोगों ने मूर्ति बनाकर जो करा वो आपके सामने, लेकिन मेरी दृष्टि में जो राधा है वो अंदर की तरफ की यात्रा है, और जो कृष्ण है वो साक्ष्य है, प्रत्यक्ष साक्ष्य, कुछ घटना के अंदर कर्म नहीं किया, इसीलिए आपने उनकी तस्वीर देखी होगी, वो राधा के पैर दबा रहे हैं। राधा मतलब जो मतलब पैर दबा रहे हैं, इसलिए जो ज्ञान बाहर जा रहा है, मतलब वेद कहां बाहर रहा है, उसको वो अंदर की तरफ उसको फील कर रहे हैं, मतलब वो उसकी चरणागति है। राधा शक्ति की प्रतीक है, जो एनर्जी आप बाहर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जिस दिन उसको अंदर की तरफ लेना शुरू कर दोगे वो आपकी शक्ति बन जाएगी, फिर आत्मबोध जगेगा, असली मैं कौन है शायद मुलाकात हो जाए।